कस्टम्स ड्यूटी की मद में मंदरजा जेल अहम तजावीज़ दी जा रही हैं। एक्वाकल्चर के फ़रोग के लिए दरामदात पर रियायत, एक्वाकल्चर की तरक्की के लिए झींगों और मछलियों की फार्मिंग को फ़रोग देने की गर्ज से और फूड सिक्योरिटी और बरामदात में इजाफे के मकासद के पेश नज़र मछलियों और झींगों की अफजाइश नस्ल के लिए मंगवाए जाने वाली फीड और सीड की दरामद के साथ साथ फार्मिंग, ब्रीडिंग, फीड मिल और प्रोसेसिंग यूनिट्स की दरामद पर रियायतें दी जा रही हैं। नंबर टू, सोलर पैनल इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए दरामद पर रियायत। बरामद करने और मुकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सोलर पैनल्स तैयार करने की गर्ज से प्लांट, मशीनरी और उसके साथ मुंसलिक आलात और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल और पुर्जाजात की दरामद पर रियायतें दी जा रही हैं, ताकि दरामद शुदा सोलर पैनल पर इन्हसार कम किया जाए और कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सके। नंबर थ्री, हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में छूट का खात्मा। नई टेक्नोलॉजी की मुताबिक हाइब्रिड और आम गाड़ियों के दरमियान कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क की वजह से हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में 2013 में रियायत दी गई थी। इस वक्त दोनों किस्म की गाड़ियों की कीमतों का दरमियान फ़र्क कम हो चुका है और मुकामी तौर पर हाइब्रिड गाड़ियों की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसलिए मुकामी सनत को फ़रोग देने के लिए ये रियायत अब वापस ली जा रही है। नंबर फोर, लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दरामद पर दी जाने वाली रियायत का खात्मा। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है, क्योंकि $50,000 और उससे ज़ायद कीमत की गाड़ियाँ दरामद करने की इस्तेदार रखने वाले लोग वाजिबुल अदा टैक्स और ड्यूटीज भी अदा कर सकते हैं। नंबर फाइव, शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर छूट का खात्मा। गुज़श्ता चंद बरसों में मुकामी तौर पर तैयारकुदा शीशे की बरामद में इजाफे का रुझान देखा गया है। मुकामी सीनट की हौसला अफजाई और मदद के लिए शीशे की मसनूआत की दरामद पर कस्टम ड्यूटीज में दी जाने वाली रियायतों पर छूट ख़त्म की जा रही है। नंबर सिक्स, स्टील और कागज़ की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा। स्टील और कागज़ की मसनूआत, बॉल बेयरिंग्स वगैरह की मकामी तैयारी की हौसला अफजाई के लिए इन तमाम अशिया की दरामद पर ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही है। जनाब स्पीकर।